माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़ायकेदार है। वीडियो देखिए और बनाइए इसको। रोटी पराठे वाइट राइस खिचड़ी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। टमाटे गोश्त का सलाद हैदराबाद स्टाइल में। बहुत आसानी से झटपट बन जाने वाला रोज़ाना जो ब्रेकफास्ट में हम बनाते, लंच में, ब्रेकफास्ट में नहीं, लंच में जो बनाते हैं वही बहुत मज़ेदार बनने वाला। टमाटरों का सीज़न भी है, अब बनाइए। और मेथी का भी सीज़न है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ टमाटे गोश्त। टमाटे गोश्त के लिए मैं ली हुई आधा किलो टमाटर और गोश्त लिए 250 ग्राम। मटन का गोश्त है और विथ बोन्स के साथ। और इसमें मीडियम साइज़ के 2 प्याज की डलियाँ डाली और 1 टेबल स्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्ची और हल्दी। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ें डालने के बाद उसको गोश्त को मसालों को अच्छा लगा देना। अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ी देर इसको रख देना ढक के। अगर टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट पका सकते हैं। और एक बर्तन ली, हंडी ली, मैं ज़रूरी नहीं है आप हंडी में पकाना, और कोई भी जो भगोने में आप पका रहे हैं उसमें पका सकते, चाहे तो आप कुकर में भी इसको गला लेके बना सकते हैं। तो मैं हंडी में इसलिए बनाती हूँ कि ज़्यादा मज़े का बनता है इसमें, जो नॉर्मल बर्तन से ज़्यादा, नॉर्मल बर्तन के मुकाबले में इसमें ज़्यादा मज़े का बनता है। अब इसको क्या करेंगे, 5 मिनट अच्छे से भून लेंगे। मसालों का कच्चापन जाता, अच्छी खुशबू आती, अच्छा टेस्ट आता। तो इसको 5 मिनट कवर करके पका लेंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे, 5-6 मिनट में इसको अच्छे से भून ली, उसको अच्छा भून ली, इसका जो कच्चापन था मसालों को अच्छे लग गया। अब इसमें क्या करेंगे, 1 गिलास पानी डाल देंगे। 1 गिलास पानी डाल के अच्छा मिला लेंगे इसको, और इसको कवर करके ढाप के 10 मिनट तेज पे और 15 मिनट धीमे पे पकाएंगे इसको। अब 15-20 मिनट में इसको धीमे पे अच्छा पके, और ये प्याज जो थी इसमें अच्छी गल गई और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल गया। अब इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। अब इसको मैं टमाटर अच्छे से गल गए, अब इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें मीडियम साइज के 2 आलू डालेंगे और इसको 10 मिनट अच्छे से पका लेंगे। इसको 10 मिनट धीमे पे रखी थी मैं, और इसको 10 मिनट धीमे पे रखेंगे आलू गलने के लिए। आलू गलने के लिए मैं 10 मिनट धीमे पे रखी थी और आलू हमारे अच्छे से गल गए, बिल्कुल हल्की कसर बाकी है। ये टमाटे गोश्त आप वाइट चावल के साथ, रोटी के साथ और खिचड़ी के साथ तो बहुत ज़बरदस्त दिखता है, आप ज़रूर बनाइए। और क्या है, सादे भगोने में जो बनाते बर्तन में हम, माशाल्लाह अच्छा बनता, लेकिन इसमें कोई भी पकवान करेंगे आप, खीमा बनाएंगे, दाल बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, माशाल्लाह हंडी का मज़ा बहुत मज़े का बन रहा है। सालन है तो मैं इसमें बना दे रही हूँ और गोश्त भी आसानी से गल जा रहा। और हंडी के जो इस्तेमाल है, मिट्टी के जो बर्तन का इस्तेमाल है, उसकी वीडियो मैं चैनल पर डाल दी, उसकी वीडियो है चैनल पर, आप देख के बना सकते हैं। और इसको 6-7 मिनट धीमे पे छोड़ देंगे। हाँ, मैं ये बोलना भूल गई, मैं इसकी जगह कोथमीर की जगह 1 बंच कोथमीर का बारीक काट के डाली, 4 मिर्चियाँ डाली। इसकी जगह चाहे तो आप मेथी डाल सकते हैं। अब ठंडा मौसम है, सर्दियों का मौसम है, मेथी बहुत मिलती, आप मेथी डालिए, अगर नहीं तो कोथमीर डाल सकते। और 6-7 मिनट धीमे पर छोड़ देंगे। 7-8 मिनट में धीमे पे रखी थी, 7-8 मिनट हो गए, सालन हमारा तैयार हो गया। सरफेस पे अच्छे से ऑयल आ गया, आलू भी अच्छे से गल गए, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना। और इसमें तो इसका जायका डबल हो जाता। चलिए इसको डिश में निकालेंगे। चलिए, टमाटे गोश्त के सालन की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।